मध्य प्रदेश के बालोद में लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकलने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई और इस रैली को नगर पालिका के कर्मचारियों ने निकाला और इससे यम रैली का नाम दिया। एम्बुलेंस लेकर निकले इन कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस बनकर घूम रहे इन कर्मचारियों ने लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ा और उन्हें घर पर रहने की हिदायत दी। आँख कान मुंह को बार बार न छुए, बिना मास्क घर से बाहर न निकले, बार बार हाथ को साबुन से धोते रहे। पालिका के कर्मचारी, यहाँ के सब इंजीनियर और पालिका के अन्य कर्मचारी द्वारा लोगों के ये जागरूक किया गया कि लोग घर से बाहर ना निकले, नहीं तो जो स्वर्गरत की गाड़ी भी आज निकली थी, एम्बुलेंस की, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी निकली थी, उसके माध्यम से जो कोरोना बने हुए राक्षस थे हमारे सब इंजीनियरगण, उन्होंने लोगों को ये जागरूक किया है कि आप बाहर ना निकले, नहीं तो आप लोगों को एम्बुलेंस या स्वर्गरत की जरूरत पड़ सकती है और ऐसा हम बिल्कुल नहीं। सीएम योगी की यह समीक्षा बैठक दरअसल चल रही है इन हालात में जब उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में किस तरीके से हॉटस्पॉट इलाका जो है उनको निगरानी में रखना है, कौन से इलाके हॉटस्पॉट बनाए जाने हैं और क्या एहतियाती कदम उठाने हैं, इन सब को लेकर यहां समीक्षा बैठक हो रही है। यूपी के हरदोई में गरीबों और जरूरतमंद की मदद के लिए दो युवक आगे आए और ये दोनों पहले सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों की तलाश करते हैं और फिर उन्हें घर जाकर राशन और खाना का सामान जो है वो मुफ्त में बांटते हैं। इनका दावा है कि रोजाना करीब 600 खाने के पैकेट बांटते हैं और करीब 25 परिवारों को राशन देते हैं। दोनों की इस पहल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।